हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सुदीप और आप देख रहे हो फ्री नॉलेज गेन का वीडियो। आज का ये ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगा, इसलिए कुछ समय आप लोगों से मैं मांग लेता हूँ। पहला बात यह है कि मैं एक बंगाली हूँ, इसलिए हिंदी मुझे सही से आता नहीं है। हिंदी बोलने में अगर मुझसे कोई भूल हुआ होगा या तो फिर भूल करते हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरा बात यह है कि आप लोग मेरे वीडियोस में बहुत कमेंट करते हो, लेकिन मैं आप सभी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन कोशिश करता हूँ देर से ही सही आपका रिप्लाई करने के लिए, या तो फिर आपके कमेंट के रिगार्डिंग वीडियोस डालने का कोशिश करता हूँ। तो तीसरा बात यह है कि आप लोग जो मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हो, आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जब मेरे ट्यूटोरियल्स को देख के कमेंट में लिखते हो कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया, विश्वास कीजिए तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको सिखाना ही मेरा मकसद है। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको सिखाते रहूँगा। जो लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप सभी को मेरा निवेदन है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नॉलेज के रिगार्डिंग जितने तरह का ट्यूटोरियल्स संभव होगा मैं इस चैनल में अपलोड करते रहूँगा। अभी तो मैं जीएसटी के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर टैली, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंग्लिश ग्रामर एंड मैथ फॉर बिगिनर्स, इस तरह का भी ट्यूटोरियल अपलोड करते रहूँगा। और जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हों, आप सबको मेरे तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। और हाँ, अगर मेरे ट्यूटोरियल्स आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे सभी ट्यूटोरियल्स को शेयर कीजिए, ताकि उन सभी लोगों का नॉलेज गेन हो पाए जो लोग नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल पे हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन जीएसटी पेमेंट, अगर आप जीएसटी का पेमेंट विद इन ड्यू डेट के अंदर नहीं करते हो तो उसका क्या इंटरेस्ट होगा। और एक बात हम लोग इस ट्यूटोरियल पे डिस्कस करेंगे जो है लेट फीस। आप अगर ड्यू डेट्स के अंदर जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किए हो तो उसके भी आपको लेट फीस देना होगा। तो चलिए ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। बाय नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 द गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑन जीएसटी एट 18% पर एनम। फर्दर इफ एनी पर्सन टेक्स अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी देन पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट 24% इंस्टेड ऑफ 18%। यानी कि अगर आपने जीएसटी पेमेंट टाइम पे नहीं किए हो तो पर एनम के हिसाब से आपसे 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो अगर आपने टाइम पे पेमेंट नहीं किए हो तो आपको उस अमाउंट के ऊपर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है फर्दर इफ एनी पर्सन टैक्स अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ आईटीसी देन पर्सन शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट एट 24% इंस्टेड ऑफ 18%। आप अगर अनड्यू और एक्सेस आईटीसी क्लेम करते हो, आप जब आईटीसी क्लेम करते हो तब मान लीजिए आप ऐसे अमाउंट आप क्लेम कर रहे हो जो आपके आईटीसी में ड्यू नहीं है, या तो फिर इतना अमाउंट क्लेम कर रहे हो जो आपके एक्चुअल आईटी से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको इसके ऊपर 24% इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन जीएसटी विद एग्जांपल। अब हम लोग एक एग्जांपल लेके इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। आरएम लिमिटेड नीड्स टू पे द जीएसटी ऑफ रुपीज 45,000 ऑन और बिफोर 20 मई 2018। हाउएवर इट्स डिसाइडेड टू पे द टैक्स ऑन 17 जून 2018। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट?
यानी कि आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों कि जीएसटी का पेमेंट डेट है 20 तारीख, हर महीने के 20 तारीख के अंदर जो क्वार्टरली रिटर्न भरता है, ठीक है दोस्तों, ए सॉरी जो मंथली रिटर्न भरता है, जो लोग मंथली रिटर्न भरता है उनका ड्यू डेट है 20 तारीख, और जो कंपाउंडिंग टैक्स पेयर है क्वार्टरली रिटर्न भरता है उनका ड्यू डेट है 18th, 18 तारीख, फर्स्ट क्वार्टर खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट मंथ में 18 तारीख के अंदर उनको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो अगर नॉर्मल टैक्स पेयर हो, हर महीने आपको रिटर्न भरना पड़ता है, तो आपका डेट है 20 तारीख। तो आरएम लिमिटेड 20 तारीख के अंदर, 20 मई 2018 के अंदर उनको 45,000 पे करना था, लेकिन उन्होंने पे कर रहा है 17 जून 2018 को, ठीक है। तो उसके लिए उसका इंटरेस्ट क्या होगा? टू कैलकुलेट द करेक्ट इंटरेस्ट वी नीड द फॉलोइंग, क्या क्या जरूरत है। इंटरेस्ट रेट वुड बी 18% एज पर सेक्शन 50, तो आपको 18% इंटरेस्ट लेना है। नंबर ऑफ डेज वुड बी 28 डेज, तो आपको नंबर ऑफ डेज लेना है, क्योंकि 20 मई 2018 के बाद 17 जून 2018 तक जितना दिन हो रहा है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। और इसमें वी सेल नॉट काउंट 20 मई, यानी कि जो ड्यू डेट है उस दिन को, यानी कि 20 मई, इस दिन को हम लोग काउंट में नहीं पकड़ेंगे, उस दिन को छोड़ के, जैसे कि 21 दिन से 17 तारीख तक जितना दिन हो रहा है उतना दिन हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा। तो टोटल हो रहा है 28 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग टैक्स इज ₹45,000। तो ये तीन चीज जरूरत है, और देख लेते हैं टैक्स क्या होता है। हेंस इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स विल बी ₹621। अरे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, 45,000 मल्टीप्लाई 18% मल्टीप्लाई 28 जो डेज है, 28 डेज, डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि आपका 18% बोला गया है पर एनम, इसलिए हम लोग 28 दिन का रेट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट ऑन जीएसटी पेमेंट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, लेट फीस ऑन जीएसटी रिटर्न। अगर आपने रिटर्न टाइम पे नहीं दिए हो तो उसके ऊपर आपको लेट फीस देना पड़ेगा। क्या है, ए लेट फीस ऑफ ₹100 पर डे इज लायबल टू बी पेड इफ एनी मंथली और क्वार्टरली रिटर्न इज नॉट सबमिटेड विद इन ड्यू डेट, और मैक्सिमम पेनल्टी वुड बी ऑफ ₹5,000। यानी कि अगर आपने ड्यू डेट के अंदर कोई भी मंथली रिटर्न या तो फिर क्वार्टरली रिटर्न जो भी हो, अगर आपने ड्यू डेट में नहीं भरा है, तो आप जितने दिन लेट करोगे पर डे के हिसाब से आपको ₹100 पे करना पड़ेगा, और ये अमाउंट होगा आपका मैक्सिमम होगा 5,000 तक, ठीक है। तो मान लीजिए आप GSTR 1 का रिटर्न भर रहे हो जिसका ड्यू डेट है 10 तारीख, लेकिन आपने 10 तारीख के अंदर GSTR 1 नहीं भरे हो और आप भर रहे हो 13 तारीख को, तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, जितने दिन आप लेट कर रहे हो, कितना दिन लेट किए हो, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 3 दिन लेट किए हो, यानी कि पार्ट डे के हिसाब से आपको 300 लेट फीस देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आपका मंथली रिटर्न हो, चाहे वो आपका क्वार्टरली रिटर्न हो, दोनों केस में यही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इन केस ऑफ एन एनुअल रिटर्न ए पेनल्टी इज पेएबल एट ₹100 पर डे, मैक्सिमम पेनल्टी इन सच केस इज 0.25% ऑफ द टर्नओवर इन द सेम स्टेट, इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो सेम स्टेट में अगर आपने एनुअल रिटर्न विद इन ड्यू डेट नहीं भरे हो, टाइम के अंदर एनुअल रिटर्न नहीं भरे हो, तो इस केस में आपको जितना दिन लेट करोगे पर डे के हिसाब से ₹100 आपको देना पड़ेगा, और ये अमाउंट मैक्सिमम जाएगा कितना तक, 0.25% ऑफ द टर्नओवर, आपका पूरा साल का जो टर्नओवर है उस टर्नओवर के ऊपर 0.25% जो अमाउंट हो रहा है उस अमाउंट तक ये मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इंटरेस्ट रेट और ये लेट फीस के बारे में, जो जीएसटी का रिटर्न और पेमेंट के बारे में जो डिस्कस है, ये सब आपको समझ में आ गया है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है
और है दोस्तों, यहाँ पे एक नोटिस है आपको बता देना चाहता हूँ। क्या ए नोटिस इन फॉर्म GSTR 3A शैल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली टू ए रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश रिटर्न। यानी कि आपने अगर किसी रिटर्न विद इन ड्यू डेट के अंदर नहीं फिलअप किए हो, यानी कि फेल कर चुके हो, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर के थ्रू आपको एक नोटिस दिया जाएगा। किसमें? फॉर्म GSTR 3A में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।